जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूनिक होम्योपैथिक टिप्स के इस ब्लॉग में। आज मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा आप सभी से बात करने वाला हूँ हर्निया होती कैसी है और होम्योपैथिक में लॉर्ड्स फार्मा द्वारा एक मेडिसिन तैयार की गई है हर्निल ड्रॉप, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या है इसका रिजल्ट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हर्निया बीमारी होती कैसी है और हर्निल ड्रॉप का फीडबैक और इसको यूज़ कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना चैनल। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये हर्निया होता क्या है। तो हर्निया जो होने का रीज़न होता है ये किसी भी एज में हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि मेल है या फिर फीमेल है। होता कैसे है आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है, जब आप किसी वेटेड चीज़ को उठाते हैं, आप किसी भी वेट वाली चीज़ों को उठा लेते हैं, उसका जो प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से आपका जो इंटेस्टाइन होता है वो पूरी तरह से वर्क प्रेशर को नहीं संभाल पाता है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन मतलब आंतें जो होती हैं पूरी तरह से नीचे आ जाती हैं, तो आगे चल के आपको फिर ये हर्निया जैसी चीज़ें अटैक कर जाती हैं। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं ये हर्निया होती कैसी है। तो अभी मैं एग्जांपल आपको देके समझाने वाला हूँ कि हर्निया बीमारी होती कैसी है। तो अभी मेरे पास एक कागज़ है, दो कागज़ है, ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, ये हमारा इनर लेयर है, मतलब कि ये जो हमारी डिस्टेंस होती है ये स्किन है हमारी, और स्किन के अंदर का जो पोर्सन है ये होता है, और इंटेस्टाइन जो होती है हमारी जो आंतें होती हैं वो इसके अंदर जो होती हैं सेट होती हैं आपके कैविटी के अंदर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप प्रेशर करते हैं, प्रेशर जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन गैस से ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपकी खांसी बहुत पुरानी हो गई है और खांसते खांसते जैसे मुंह से ब्लड तक आ जाना, तो उस पर जो प्रेशर पड़ता है वो इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपको हर्निया हो जाती है। तो पहले हम समझते हैं हर्निया होती कैसी है। ये देखिए अभी यहाँ पर ये प्लेन कागज़ है और प्लेन कागज़ पे अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है, ठीक है, कोई भी इंडिकेशन स्पेस पे नहीं है, लेकिन जैसे ही हर्निया होता है उसमें होता क्या है कि ये देखिए मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये हमारी आंतें जो होती हैं ये हमारी जो लेयर होती है उस पर फट जाती है, फट कर ये सीधे आंत हमारी नीचे आ जाती है, इस तरह से आंतें नीचे आती हैं। अब ये बढ़ती कैसी हैं कि जैसे आपने खांसी के लिए प्रेशर किया, जैसे हमारे मुँह से आवाज़ निकली तो इसमें से जो प्रेशर निकला वो इसके प्रेशर पड़ेगा इंटेस्टाइन पे, तो जैसे ही खांसी का प्रेशर पड़ेगा थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से बाहर आया बाहर आया, तो जैसे ही इस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये आके आपकी कैविटी कैनाल पे आके फंस जाएगी, तो फिर आपको हर्निया का अटैक हो जाता है। अब इसको शो कैसे करें, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट अंदर का होता है, ऊपर हमारी स्किन होती है, तो ये स्किन के ऊपर इस तरह से उभड़ा हुआ होता है, जैसे आपको आपका जो सरफेस है, स्किन का जो सरफेस है आप उसको फील करेंगे, तो इतनी दूर, क्योंकि ये हमारा जो इंटेस्टाइन है वो निकल आता है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो होती हैं वो आगे की तरफ आप इसको जब छुएंगे तो ये आपको उभड़ा टाइप का दिखेगा। तो ये पहचान होती है इसको समझने के लिए कि हर्निया है या फिर नहीं। हर्निया का जो फेज़ होता है आपको पहचानने का ट्रिक बताता हूँ, अपने हाथों को आपको इस तरह करना है और अपनी नाभि के नीचे से रखना है, तो जितना एरिया नाभि के नीचे से आप पूरे हाथों को कवर कर रहे हैं ये पूरा फेज़ जो होता है वो हर्निया का फेज़ होता है। अगर इस कंडीशंस पे आपको ये दिक्कत हो रही है तब फिर आपको हर्निया अटैक कर जाती है। तो आइए पहले समझ लेते हैं हर्निया कितने प्रकार की होती है। तो पहला मैं जिस पर बात करने वाला हूँ वो होता है इग्वाइनल हर्निया, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया, तीसरे को हम बोलते हैं फीमोरल हर्निया, और फोर्थ को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया, और अगली जो हमारी है वो है इसेंशियल हर्निया। तो ये बेसिकली जो है पांच टाइप की होती हैं, लेकिन आगे चल के इसके कई कैटेगरीज हैं, तो बेसिकली जो हर्निया अटैक होता है वो इसी पाँच कैटेगरी में से होता है पेशेंट को। और इसकी मैं मेडिसिन की बात कर लूँ तो मेडिसिन आपके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन मैंने आपको प्लम्बम मेटालिकम मेडिसिन बताई थी, और पिछले सेशन में मैं जिसने भी पिछला सेशन नहीं देखा है हर्निया का वो जाकर नीचे से लिंक में देख लेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन गैस ही अपना एक अलग रोल बॉडी में होता है, जब गैसेस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जब आप स्टूल में जब आप लैट्रिन में जाते हैं, जब प्रेशर करते हैं तो जो स्टूल का फॉर्मेशन होता है वो जब आपको कड़क हो गए, स्टूल आपकी कड़क होगी तो इंटेस्टाइन पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आते फट के आपके कैनाल कैविटी के थ्रू आ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का जो फेज़ होता है वो फिर ब्लॉक करने लगता है, तो आगे चल के आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहली मेडिसिन मैं जिस पर बात करने वाला हूँ, सिंगल मेडिसिन जो होम्योपैथिक की
बहुत ही बेस्ट मेडिसिन, अब तक कई पेशेंट इससे ठीक हो चुके हैं। तो पहली मेडिसिन जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो है लॉर्ड्स कंपनी का हर्नल ड्रॉप। होम्योपैथिक में प्लम्बम मेटालिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसको यूज़ करने से आपकी हार्निया का जो स्टेज है वो स्टॉप हो जाता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट हर्नल ड्रॉप इस समय दे रहा है। इंटरफेस देख लीजिए, ये हर्नल ड्रॉप है, और हर्नल ड्रॉप का जो सबसे अच्छा कंपोजिशन मुझे लगा फीडबैक देने के लिए कि वो नक्स वोमिका मेडिसिन जो कॉन्स्टिपेशन और गैस के लिए होती है, उसने सब कंपोजिशन में सबसे अपर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, और जिसकी वजह से आए दिन जो कॉन्स्टिपेशन गैस की प्रॉब्लम के लिए पेशेंट एडिशनल मेडिसिन ऐड करता है अपने साथ, वो बिल्कुल इस मेडिसिन के साथ नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन गैस से आपको हार्निया अटैक कर गई है तो ये हर्नल ड्रॉप का सबसे अच्छा है कि जिन्होंने नक्स मेडिसिन को अपने साथ ऐड किया है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्लम्बम मेटालिकम इसकी अच्छी दवा है, तो प्लम्बम मेटालिकम आपको जब देखेंगे इसके कंपोजिशन में तो वो भी आपको प्लम्बम मेटालिकम इस मेडिसिन में दिख जाएगी, कि जो कि दोनों का कंपोजिशन बहुत अच्छा है, और बहुत ही जल्द आपको ये हर्नल ड्रॉप 10 से 15 दिन के अंदर आपको दर्द जैसी जो चीज़ें होती हैं बॉडी में वो बिल्कुल तरह से कंट्रोलेबल कर देती है। यूज़ करने का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको आप ले लिया है आपने इस दवा को, यूज़ कैसे करना है। अगर आपको पेन ज़्यादा होता है तो इसको आधा कप गुनगुना पानी करना है, उस दवा को 20 स्पून उस पानी में मिला के इसको 15-15 मिनट पे तीन बार लेना है। तीन बार में आपको दर्द आराम मिल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट डेट से आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट ये पर डे आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। हर्नल ड्रॉप अपने आप में बहुत अच्छा ड्रॉप है, जो कि कंपोजिशन और उसकी जो क्वांटिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से लॉट्स जो कंपनी है उसने मेंटेन किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट हर्नल ड्रॉप का मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने हर्नल के बारे में बात किया, अब बात करते हैं खाने पीने की चीज़। तो खाने पीने में जिससे कॉन्स्टिपेशन गैस बनती है उस चीज़ को अवॉइड करना है। ज़्यादा तला भुजा, चिकना, मर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बिल्कुल सादा खाना लेना है। ऐसा कोई प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए जिससे आपको अनहाइजीनिक हो जाए, आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे थोड़ा परहेज़ रखना है, और हर्नल ड्रॉप आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो कौन सी मेडिसिन किस में लेते हैं, तो आइए अभी हर्नल का मेरा एक जो सेशन था, मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है हार्निया में, तो अभी का सेशन हमारा हार्निया के लिए था। फिर जुड़ेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलेंगे फिर ऐसे ही नए मोटिवेशनल स्टोरी एंड मोटिवेट यूनिक होम्योपैथिक टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।